नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आखिरकार पाकिस्तान की टीम रवाना हो चुकी है। 28 जून को पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के लिए रवाना हुई और संभवतः आज ही टीम इंग्लैंड भी पहुंच जाएगी। पूरी तैयारी और सुरक्षा के पाकिस्तान की टीम रवाना हुई है। टीम के रवाना होने की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेयर किया है। लिमिटेड ओवर के कप्तान बाबर आजम ने अपनी ट्विटर हैंडल पर भी रवाना होने की तस्वीर शेयर की है। उन्होंने फ्लाइट में एक सेल्फी क्लिक की है जिसमें सरफराज अहमद, इमामुल हक और साथी खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। बाबर आजम ने कैप्शन में लिखा है, इंग्लैंड के ऐतिहासिक दौरे के लिए पाकिस्तान की टीम रवाना हो चुकी है। इंग्लैंड में खेलना हमेशा एक बेहतरीन एहसास रहा है। फैंस, आपसे हमेशा की तरह सपोर्ट और प्यार की जरूरत रहेगी, दुआ कीजिएगा। आपको बता दें, इंग्लैंड दौरे के लिए पाकिस्तान के 20 खिलाड़ियों और 11 सपोर्ट स्टाफ को रवाना किया गया है। वहीं जिन खिलाड़ियों का कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है उसे अभी क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। वेस्टइंडीज के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 3 मैचों की टेस्ट सीरीज और 3 मैचों की T20 सीरीज इंग्लैंड के साथ खेलनी है। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान से पहले विंडीज के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। इसके बाद 8 जुलाई से ये सीरीज शुरू होने वाली है। आपको बता दें, पाकिस्तान की टीम काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। टीम को पहले 14 दिनों तक आइसोलेशन में रखा जाएगा, इसके बाद फिर टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, फिर जाकर पाकिस्तानी खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए मैदान पर उतर पाएंगे। फिलहाल अच्छी बात ये है कि कोरोना काल में फिर से क्रिकेट शुरू होने जा रहा है और फैंस टीवी पर ही मैच का मजा ले पाएंगे। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।